कि हम राजस्थान वालों के लिए कोई मौका नहीं मिला है, हम गाना चाहते हैं, हमारी कल्चर संस्कृति के बारे में, हमारा कैसी संस्कृति है राजस्थान में, हमारे बहुत सारे जो गांव में काम छोड़ के इस समाज में आए हैं ताकि यहाँ पर सीख के जाएंगे और गांव में जाके जागरण का काम करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, जिससे हमारे महिला हैं उन महिला के साथ में जो आज इन जो घटना घट रही है, सिंगल वुमन है, जो विधवा महिला है, उनको भी ये ऐसे प्रेरित करेंगे और अपनी संस्कृति को मतलब कैसे एक डॉक्यूमेंट में किताब में लिख के और आने वाली पीढ़ी है बच्चे उसको पढ़ के भी अपनी संस्कृति को इसी उद्देश्य को हम राजस्थान से ट्रेन में सफ़र करते दिल्ली होते हुए जब से टाटा जो नगर जो इससे पहुँचे हो गए 21 को हम यहाँ से रवानगी होगी हमारी और हम अलग अलग पूरे वर्ल्ड के आदिवासियों को मिल के हमको इतनी खुशी हो रही है ताकि हमने कभी ऐसा हमारे घर में ही हम लोग हैं और हमारा एक परिवार है और अलग अलग मिलने से अलग अलग उनकी भाषा और अलग अलग उनके पहनावा और अलग अलग संस्कृति को देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक पूरे दुनिया में बैठे हुए हैं और हम अकेले नहीं हैं और हमें ऐसे पहले पता नहीं था कि हम अपने रास्ते में सोचते हमारे यही आदिवासी लोग संसार में जैसे अपने यहाँ 13 देश के लोग आए हुए हैं और 16 राज्य के लोग आए हुए हैं और हम यहाँ से सीख के जाएंगे और अपने गाँव में कुछ नयापन करने की कोशिश करेंगे। इस बार लाला राम ने रात को एक विचार आया छोटे समय के पास में हमारे गांव में से तालाब है, छोटे तालाब है, उनमें ये मछली पालन का काम शुरू करेंगे और उसमें जो बाहरी जो मछुआरे आ रहे हैं जो टेंडर भरते हैं उनको ये रोकने का काम करेंगे और वो एक लोगों को एक मैसेज पहुंचाएंगे कि इससे अपने गांव में फायदा होगा, अपन लोकल लोगों को खाने को मिलेगी मछली। इसी उद्देश्य के लिए अपने जीवन में उतारा है और ये बहुत आप इसको आता है और इसी खुशी के साथ में ये जितने मिले हुए राजस्थान के लोग हैं